जामा मस्जिद में भी आज नमाज थी, हुई ना नमाज, वो तो कह रहे थे वहाँ भी होगी आज नमाज। मुझे इसका बहुत अफसोस है, क्योंकि ने अनाउंस किया था कि वहाँ नमाज होगी 9 बजे, तो मैं समझ रहा था कि वहाँ होनी चाहिए। ये तो गलत है, अगर एक तरफ से यहाँ हालात अच्छे हैं तो नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए थी नमाज, और गवर्नमेंट को इसी तरफ देखना चाहिए। ये गलत है कि वहाँ के लोगों को उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं, दकड़ते हैं, फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं, ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। अफसोस है, ये होना नहीं चाहिए, हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए और लोग आराम से पढ़ना चाहते हैं, पढ़नी चाहिए। और मौलवी फारूक साहब, उमर फारूक साहब को भी छोड़ना चाहिए कि वो भी इसमें शामिल होते, लोगों के सामने खिताब करते और अच्छी बातें लोगों को सुनाते, जिससे कि लोग अमन में रहें और जो ये बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते थे। सलाम वालेकुम, बहुत सलाम, बहुत सलाम।